सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एक स्मॉल अनाउंसमेंट। अगर आपको हमारे चैनल के पहले टीवी सीरियल वीडियोस देखने हैं, जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो प्लीज़ हिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने सारे जो टीवी सीरियल वीडियोस जो है उसका प्लेलिस्ट बनाया है, और आप वहाँ जाके देख सकते हो। ऑल हिंदी टीवी सीरियल्स एक प्लेलिस्ट है, वो आप वहाँ जाके आप सबको सारे के सारे टीवी सीरियल वीडियोस देखने को मिलेंगे। So back to the video now. Hey guys, welcome back to ADZ TV. Thank you for stopping by for another video. हाँ, मैंने फिर से background change किया है। क्या बोलूँ? तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक चौथा serial जो Zee TV अब offer करने वाला है, और वो है तेरी मेरी एक जिंदगी। हम इस पर बहुत सारे discussion करेंगे, plus future पे और videos बनाएंगे। मुझे लगता है ये पूरे महीने अप्रैल और मई और जून के महीने में मेरा तो फुल वीडियोस प्रूफ है, क्योंकि बहुत सारे सीरियल्स ऑफर हो रहा है। सो हम इस पर सारे डिस्कशन करेंगे। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब गाइस, और भी वीडियोस आने वाला है इस टॉपिक पर। तो तेरी मेरी एक जिंदगी, हम लोग फर्स्ट में थोड़ा मैंने जो लिखा है वो बताऊंगा। ये एक जी टीवी का सीरियल है, जिसका एज ऑफ नाउ 66 एपिसोड्स हुआ है, और 27 जनवरी 2021 में स्टार्ट हुआ था। ओके, ये प्रोडक्शन कंपनी का नाम LSD फिल्म्स है, और मेन एक्टर्स है अमनदीप सिंधु और अद्वैत महाजन। ओके, ये एक ड्रामा रोमांस वाला सीरियल है, जो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स होते हैं ऐसा। तो क्या हो रहा है अचानक से? तो एज मैंने बोला था, लो TRP एक ऑब्वियस रीज़न होता है जिसके कारण से यू नो टीवी सीरियल्स ऑफर हो जाता है, वो एक मेन चीज़ है, मतलब लो लेस TRP रेटिंग। और मुझे लगता है क्या लॉकडाउन का इफेक्ट है इस पर? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन पर इतना ज़्यादा इफेक्ट, लो TRP एक होगा, और लो और इसका और इतना जल्दी ऑफर होने का रीज़न होगा कि यू नो जी टीवी और कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, और इसके कारण और नए सीरियल्स लाएंगे जो अच्छे TRP लाएगा, और इसके वजह से मुझे लगता है तेरी मेरी एक जिंदगी जो है ऑफर हो जाएगा। क्या ये एक सही डिसीजन है? ऑफकोर्स आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सिर्फ 60 एपिसोड्स मिला है इस सीरियल को अपने जो है पहचान देने के लिए, और 60 एपिसोड्स में यू नो इट्स नॉट ईजी टू गेट अ हाई TRP। ओके, बहुत कम सीरियल्स है जो बहुत जल्दी ही जो है बहुत हाई TRP लाता है, और मुझे लगता है दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द सीरियल्स जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं आएगा इसका। ओवरऑल माई थाट्स फॉर दिस सीरियल इज दैट अगर जी टी वी ऑफर करने का डिसीजन ऑलरेडी लिया है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक फैन हो, ओके, तेरी मेरी जिंदगी का आप देखते हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि यू नो जी टी वी क्या मोड लेगी, क्योंकि चार सीरियल ऑफर हो रहा है, और ऐसा न्यूज़ आया है कि एक सीरियल का बचने का चांसेस है, ओके, इन चार में से, बिकॉज जो सिर्फ तीन नए सीरियल जो है एज एन ऑफ प्रोडक्शन में है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन जी टी वी का। अगर ये सब हुआ तो इस साल में ही जी टी वी ने लगभग 6 या 7 सीरियल्स को ऑफर किया है, सो आप समझ सकते हो कितने सारे सीरियल्स ऑफर हो गए हैं। अगर आप तेरी मेरी एक जिंदगी का व्यूअर हो, या आप ये सीरियल हर दिन देखते हो, या एक फैन हो, तो कमेंट्स में मुझे बताएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। क्या आपको शॉक हुआ? क्या आपको लगता है कि ये एक ऑलमोस्ट सेम डिसीजन है? ओके, और क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है? तो प्लीज़ पुट इन अ कमेंट्स, मैं आपका ओपिनियन देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सीरियल नहीं देखता हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू ADZ TV। ये एक शॉर्ट वीडियो था, क्योंकि कुछ बोलने के लिए तो कुछ है नहीं एज ऑफ नाउ तेरी मेरी जिंदगी पर, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ पता चला देन आई विल ऑफकोर्स इन्फॉर्म यू ऑल इन अपकमिंग वीडियोज। ऑल्सो कम्युनिटी पोल्स में आप जाके वहाँ पर वोट कर सकते हो, मैं इस पर एक वीडियो पोल डालूंगा। ओके, एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब। इफ अगर आपको कुछ मुझे पूछना है या फॉलो करना है इंस्टाग्राम या ट्विटर पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑल्सो चैनल मेंबरशिप है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, योर चॉइस। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी ऑल द मोर ADZ TV वीडियोज कमिंग सून इन द नियर फ्यूचर। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।